तुमने बिगाड़ा है, तुमने। जब से तुम आदि की जिंदगी में आई हो, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारे बेटे और हमारे बीच का रिश्ता, हमारा रौब, हमारा रुतबा, सब कुछ तुमने बर्बाद कर दिया। बहुत बुरा किया तुमने हमसे बैर लेकर के। अगर अब हमारे आड़े आई, तुम तो क्या तुम्हारा साथ देने वाले तुम्हारे अपने या तुम्हारा सबसे प्यारा तुम्हारा कोई भी होगा, उसे नहीं छोड़ेंगे हम। जब तक तुम्हें अपने पैरों तले रौंद ना दें, तब तक चैन नहीं पड़ेगा हमें। पापा जी, आप हमें कितना भी सताएं, हम सह लेंगे पापा जी, क्योंकि आप आदि के पापा हैं। मगर किसी और को चोट लगने नहीं देंगे। आज आपकी वजह से एक औरत की जान चली जाती, अगर आपके बेटे को ये पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? आदि को प्यार करती हो ना, कैसे बताओगी उसे? बताओगी? आप ठीक कह रहे हैं, आज हम चुप रहेंगे आदि के खातिर, इस परिवार के खातिर, प्रधान नाम के खातिर, पर सिर्फ इस बार। एक आखिरी बार, अगर इसके बाद दोबारा आपने कुछ किया तो हमारी शिकायत सीधा पुलिस में जाएगी। राक्षस हो तुम, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी मरते मरते बची। गिरिराज प्रधान के गिरबान पे हाथ डालता है तू? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। हाँ, मर जाएगा नहीं तो ये। डॉक्टर साहब हम हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं, इस आदमी को किसी भी हालत में बचाइए। जितना पैसा चाहिए मैं आपको दूंगा, पर इसे बचाना है। अगर इसे कुछ हो गया ना डॉक्टर साहब, तो देख लीजिए, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, प्लीज। चाचा जी, कैसे हो गए? जिंदा है कि नहीं? बच गया है अभी। और आप मतलब आपको किसी ने देखा तो नहीं? वहां कोई आया तो नहीं? बेटा किसी ने नहीं, मगर अरे आपकी बहुरिया है ना, कसम से बता रहा हूं, यमराज से पहले खर्चा बहुत जाती है। भैया कौन है वो पार्टनर जिसकी आप बात कर रहे हैं? अनुराग साइलेंट पार्टनर है कंपनी में, उसके किसी भी चीज में कहीं किसी कागज में कोई हस्ताक्षर नहीं है। अगर कोई पकड़ा जाएगा तो सिर्फ तुम पकड़े जाओगे। ये जबान जब तक चुप रहेगी तब तक ये मुट्ठी बंद रहेगी, और जैसे ही तुम्हारी ये जबान कैची जैसा चलना चालू हुई तो तुम्हारी जिंदगी हम ना बर्बाद कर देंगे। बताइए हमें कौन था वो?
कौन था भैया? आपका पार्टनर कौन था? अरे वो आपने कहा दोनों? अरे वो दो दोस्त था यार, याद था हमारा कॉलेज का, साथ मिलके सोचे थे कि कंपनी खोलेंगे हम लोग। तो अब कहाँ है वो भैया? कहाँ है वो बताइए हमें। वो बोलिए। वो मर गया यार, छोटे एक एक्सीडेंट में मर गया। वो मर गया? तो अब अगर ये बात बाहर आई तो पूरा दोष आप पे आएगा। क्यों भी भैया, क्यों किया आपने ऐसा भैया? आपके मन से क्यों? छोटे से क्यों? यार हमसे गलती हो गई भाई, गलती हो गई हमसे, गलती हो गई। देख के आ रहे हैं हम उसे, कुछ नहीं हुआ उसे। मर सकता था। हो तो बहुत कुछ सकता था। अगर तुम उस आदमी को वहां लेके नहीं आती और वो आदमी हम पर हाथ नहीं उठाता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अगर आपने हमें फंसाने की ये साजिश रची ही नहीं होती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। एक बात देखने वाली है, सोचने वाली भी है। जो हाथ उसने हम पर उठाया था ना, वही हाथ चला गया उसका। आप कहां से ली तुम? क्या करने वाली हो मुझे बताओ ना। पता नहीं, हम नहीं जानते। आज हमारे सामने अन्याय हुआ है। आज एक औरत की जान चली जाती है, एक आदमी मर जाता है, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, सब हमारे सामने हुआ है और हम जानते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है, पर फिर भी हम सोच रहे हैं कि हम करें तो करें क्या। आप अगर हमारी जगह होते तो क्या करते? किसकी सुने हम? वक्त की सुनिए। बुरा वक्त था, निकल गया। सामने वाला भी खतरे से बाहर है, तो जो हुआ उसे भूलिए और आगे बढ़िए ना। आप एक बात बताइए, अपने पति के पिता को जेल भेज के आपको दुख के अलावा क्या मिलेगा? अच्छा, हमारा दुख है और उस आदमी के दुख का क्या, जिसका एक हाथ चला गया है? वो भूल पाएगा ही? अपने परिवार को दो वक्त की रोटी कैसे खिलाएगा, आगे कैसे पढ़ पाएगा भाई साहब? अरे आपके ससुर जी जो हैं वो राक्षस नहीं है, इंसान है। हाँ, इनका भी दिल अच्छा है। मतलब क्यों चाचा जी, आप लेंगे ना जिम्मेदारी? हाँ देखिए, चाचा जी बोल रहे हैं। मानना पड़ेगा आपको, हर चीज को पैसे से तोड़ लेते हैं और इन जिंदगियों की आप क्या कीमत लगाएंगे? बोलिए। बहुत हो गया काव्या, बहुत कटाक्ष सुन लिया तुम्हारा। जिन उसरों के घोड़े पे तुम सरपट सरपट दौड़ी चली जा रही हो ना, उसकी लगाम हमारे हाथ में है। हमारा आदि, हमारा गुरूर है। अगर हमारा बेटा आदि हमारा नहीं नाना, उसे हम तुम्हारा भी नहीं रहने देंगे। वादा है हमारा। प्रधान परिवार की बहू हो ना तुम, तो इस घर की इज्जत शांति बना के रखना भी तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है। और आप हमारे ससुर हैं, अपनी बहू की हिफाजत और उसकी खुशी ये आपका कर्तव्य नहीं, आपका धर्म नहीं है?
पहले दिन से आप हमें बर्बाद करने पे तुले हुए और हम आज तक चुप थे और आज हम सोच रहे हैं कि अगर हम चुप ना रहते ना तो आज ये नौबत ना आती। काव्या 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 आराम से हम मुद्दे की बात हम आपको बता देते हैं। अगर आप शांत नहीं हुई तो होगा क्या कि हम लोगों की तलवारबाजी में आपका आदि जख्मी हो जाएगा। ये औरत पिछले 24 घंटे से लापता है। उसकी हत्या का आरोप लखनऊ के सोहनलालगंज जिले की एसडीएम काव्या बंसल प्रधान पे लगाया जा रहा था अंजलि, मगर हमारे सूत्रों के मुताबिक वो सही सलामत घर लौट आई है। काव्या बंसल प्रधान पे लगे सारे इल्जाम रद्द कर दिए गए। ये तो बहुत अच्छी खबर है, हमारे सर से इतनी बड़ी बला टली। आदि काव्या कहाँ है? पता नहीं माँ, उसका फोन नहीं बंद है। हम कब से ट्राई कर रहे हैं, शायद काम में बिजी होगी। अभी तक आई क्यों नहीं? अरे काव्या आ गई। शाबाश काव्या, आजा यहाँ बैठ जा। देखो तुम्हारी जीत की खुशी में हमने मुंह भी मीठा कर लिया। हाँ हाँ, ये लड्डू तो हमने ही बनाया है। क्या हुआ, सब ठीक है? भैया बात क्या है? अरे नमस्ते भाई साहब। सोहनलालगंज की वो महिला जो दो दिनों से लापता रहने के बाद सुरक्षित घर लौट आई थी, फिर से वो सुर्खियों में है। उनके पति विनोद पे हुए खतरनाक हमले में ट्रक के आगे धकेल के उनकी हत्या करने की कोशिश की। उस हादसे में इनकी जान बच गई लेकिन एक हाथ कट गया। काव्या, तुम इस बारे में कुछ जानती हो क्या? गिरिराज प्रधान जी, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि विनोद सिंह के अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार? क्या किया पापा जी ने? कुछ नहीं किया हमने, हादसा था, गलतफहमी हुई आपको। नहीं हमने नहीं। आपको हमारे साथ चलना होगा। आप समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं ये? बता भैया, आप किससे बात कर रहे हैं? छोटे वारी साहब, हथकड़ी पहनाने की क्या जरूरत है? बात भी तो कर सकते हैं। चलिए पीछे हटिए, पुलिस कार्रवाई में दिक्कत मत दीजिए। ऐसे आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपके पास क्या सबूत है कि इन्होंने ऐसा किया है? पापा, हम होम मिनिस्टर साहब को फोन कर रहे हैं। दूर करो सबको यहाँ से। तिवारी, ठीक नहीं कर रहे हो तुम। चलिए हमारे साथ। एक मंत्री को गिरफ्तार करने का मतलब समझते हो तुम? चलिए, गलत है।
ठीक नहीं किया आपने डॉक्टर, देख लेंगे हम तुम्हें, छोड़ेंगे नहीं हम। चाचा जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपके साथ चल रहे हैं, ठीक है? बात कर लें। सपोली ने दस लिया है, इलाज करो इसका। मुंडी कुचल देंगे हम उसको, आप चिंता मत करिए, बस आप देखते जाइए। आइए चलो। अरे चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बाद में बाद में। चाची जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम जा रहे हैं उनके पास, ठीक है? हम फोन करेंगे आपको। ये क्या हुआ है काव्या? काव्या तुम्हारे ससुर जी को गिरफ्तार करके लेकर गए, स्टेम हो तुम, कोई एक्शन लो, अपने ससुर जी को बचा के लाओ। काव्या बचा लो उन्हें। हाँ हाँ काव्या सुन मेरी बात, देख जाकर पता लगा कि भाई साहब का इस हादसे से क्या ताल्लुक है बेटा, जा जाकर पता लगा। जरूर किसी की साजिश, जरूर कोई उनको फंसाना चाहता है। मैं जानती हूँ कि गिरी निर्दोष है, गिरी निर्दोष है। उस वीडियो में जिस आदमी की पीठ दिख रही है वो पापा जी है। बरामद वीडियो से गुनेगार की पहचान नहीं हो पाई है, मगर सुनने में आया है कि सोहनलालगंज जिले की एसडीएम मिस काव्या बंसल प्रधान घटनास्थल पर मौजूद थी। वो इस वाक्य की चश्मदीद गवाह है। आपको याद दिला दें, आईएएस काव्या ऊर्जा मंत्री गिरिराज प्रधान की बहू है। जिसने वीडियो बनाया वो आपको पहचान गया मंत्री जी, वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि पूरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। दरोगा साहब अगर हम वहाँ होते तो कोई पत्रकार हमारी फोटो खींचता ना? कुछ नहीं है चाचा जी, अपोजिट पार्टी की साजिश है आपको फंसाने की, समझ गए? और तिवारी जी ये बात आप भी समझिए, चश्मदीद गवाह है हमारे पास आपकी बहू काव्या बंसल प्रधान। तुम वहां पे थी, बोलो ना, तुमने गिरी को देखा वहां पे? अच्छा तो तुम्हारे कारण मेरे पति को हथकड़ी लगाकर लेकर गए, तुमने अपने ससुर को जेल भेज दिया। माँ नहीं माँ, हाँ हम असमंजस में थे पर हमने पुलिस को खबर नहीं की, हमें कुछ भी सोचने या करने का वक्त मिला ही नहीं। उस घटना के बाद हम वहां से सीधा अस्पताल गए, अस्पताल से सीधा इधर आए, पर हमने हमने पुलिस को कुछ झूठ बोल रही हो तुम तो। क्योंकि तुम गवाह थी, अगर तुमने नहीं बताया तो किसने बताया? बोलो अभी जवाब दे। काव्या जी आपको भी हमारे साथ चलना होगा, आपका बयान दर्ज किया जाएगा, आइए। क्या सोच रही है? तू कुछ नहीं बोलेगी, और तूने कहा था ना कि तुझे घर में और बाहर में संतुलन बना कर रखना है, तो यही मौका है बेटा तेरे लिए। वो तेरे ससुर जी है, तेरे पिता समान है, इसलिए तेरे को कुछ नहीं बोला, बिल्कुल चुप रहना है। सुना तूने? मम्मा नहीं, हम कुछ नहीं सुनेंगे, अब पूरी जिंदगी सुनते आए तेरी। अंजलि तुम अभी तेरी बात सुन ली ना तो ये परिवार तबाह हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? इस घर की इज्जत अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें बचाना होगा। इन्होंने कहा है ना कि एक दुर्घटना हुई है, दुर्घटना की इतनी बड़ी सजा मत दिलाओ उन्हें। काव्या तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने अपनी जबान नहीं खोली,
बस ऐसे ही चुप रहना है, किसी को भी कुछ नहीं बताना है, क्योंकि तुम एसडीएम हो। अगर तुम चुप रहोगी तो कोई भी तुम पर कदम नहीं उठाएगा। मैं जानती हूँ कि एक बहू होने के नाते तुम अपने ससुर को कभी भी जेल में नहीं भेजोगी, है ना? साथ देगी ना, है ना? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.